अल्लाह से दिन नफ्स अल अमारा तुम बिस्सू, तेरा नफ्स जो है ना, योर पर्सनल डिमेंटेड डिस्ट्रॉयड शैटर्ड अबाउट कॉम्प्लेक्स इन्फैचुएटेड जो आपका परसेप्शन है ना, वो दगा दे देगा, वो आपको सोचने देगा नहीं अच्छी बात कभी। टॉकिंग टू योर सेल्फ इज नोइंग द पैथेटिक साइड ऑफ योर साइड, सीइंग द डार्कर साइड इन योर सेल्फ, एंड इट्स ओके टू बी रॉन्ग, इट्स ओके टू बी मेस्ड अप, इट्स ओके टू बी स्क्रूड अप इन द हेड, इट्स ऑल ओके। अगर ये ना होता तो आप वो पजल को खोल के यहां कैसे खड़े होते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए? अगर आपकी लाइफ खराब नहीं होगी तो ये दुनिया का निजाम चलेगा कैसे? और मैं तो आपको आज कुरान से एक नया इस्तदलाल देता हूं। अल्लाह तो गम प्रॉब्लम्स टेंशन्स मेसअप्स बनाता ही इसलिए ताकि ह्यूमन रैशनल रीजनल थिंकिंग ज्यादा तेज हो। दलील दूं, वाइजा मसल इंसान जरूर दान लिजंबियादा कायमा, हम जब इसे तकलीफ देते हैं ना तब इसका स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा बढ़ता है। तो जब तकलीफ देते हैं तो इसका दिमाग चलता है ना, सिस्टम हिलाएंगे नहीं तो हाउ इज ही गोइंग टू थिंक समथिंग रॉन्ग? सो यू प्रॉब्लम्स आर ओके, प्रॉब्लम्स आर फाइन, प्रॉब्लम्स आर ब्यूटिफुल, लर्न टू एम्ब्रेस देम, लर्न टू टेक देम इनटू अकाउंट, मगर इनवाइट ना करें इसको। और असल में प्रॉब्लम अजाब तब कहलाती है जब वो कोई लर्निंग ना हासिला करे, कुछ सिखा के ना जाए, ये अजाब होता है। लेकिन जब कोई तकलीफ इमाम खड़ा कर दे, सरकार ये तो अल्लाह का रहम था, दैट वॉज द मर्सी गॉड हैज गिवन यू, that you started thinking, when you would have been in that box as a slave, following the trails of other people, never knowing what the best you can do out of yourself. You never know idhar kaun kya baitha ho. But I am talking to that disturbed heart right now, jiska saath koi cheez saath nahi de rahi is time par. Paisa nahi hai, English nahi hai, accent nahi hai, sell karne ke liye brands nahi hai, Giorgio nahi hai, Armani nahi hai, Paul Valery nahi hai, Massimo Dutti nahi hai, you have nothing with you right now. No Corollas, no Vigos, no Mercs and stuff like that. Cool, you are the perfect substance to be the daddy of this entire place. You are the one man, because you know the pain what other persons do. Aur do roosters ki, do kukkad ki jang ke andar na, it is the one who has done his physical, spiritual, emotional, moral, ethical, social, jitna usne zyada workout or exercise ki hoti hai na, wohi jeetta hai. If physically two resources of two fighters are same, to it's the heart that fights in the end. Be honest to yourself. Jhoot mat bolna apne aap se. Never ever lie to yourself. And I tell you, if you do this, if you stop lying to yourself right now, I tell you man, you're the one. Aapko khud jo unhone kaha hai na, the cosmology of this universe will speak to you. You will find things working your way. You will find. But pehle sach bolen. And it's okay to say you can't do it. And it's okay to tell yourself, I can't do this one. I am meant for something else. And it's okay to experiment your visions. And it's okay to experiment your dreams. And it's outclassedly okay to fail. Sabse achhi degree bata aapke paas kya hai? Failures. The best degree you have is the failures you have. ये जो हमारा जो एटीट्यूड है ना, मैं खुद चल जाऊंगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा, बगैर उस्ताद के, बगैर उसके, ये सारी अंदर की साइकोपैथी है जो एक प्रोसीजर से, प्रोसेस से गुजरने नहीं देती आपको, ना कॉलेज में सीरियस होने देती है, ना घर में सीरियस होने देती है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम में सीरियस ही नहीं होने देती। क्यों? इन द नफ्सा योर ऑन डिमेंटेड हार्ट, आने नहीं देगा कभी प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में, और प्रोसीजर में भी नहीं रहने देता, प्रोसीजर में रह के भी ड्रीम नहीं करने देता। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी समथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो काम करें जो आपको पसंद है, वो काम ना करें जो थोपा गया आपके ऊपर। इफ यू आस्क एनी बिजनेसमैन इन दिस वर्ल्ड हाउ डिड यू ग्रो, ही वुड से टेक द रिस्क और एंड द जंप विल बी हाई। और रिस्क वही लेता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में रहना पसंद नहीं करता, और ब्लैक एंड व्हाइट में वही रहता है जो डिफाइंड लाइफ जी रहा होता है। इसने ये किया मैं यही बनूंगा, इसने ये किया मैं यही बनूंगा, ही विल नॉट